नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज के साथ एल्विश यादव एंड कीर्ति मेहरा के बारे में। सो रिसेंटली ECL का जो फाइनल मैच हुआ था, वहाँ से एक क्लिप सोशल मीडिया पे थोड़ा सा वायरल जा रहा है, जहाँ पर लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उस मैच को कीर्ति मेहरा ने भी लाइव देखा। सो जैसे कि आपको पता है कि ECL का रिसेंटली फिनाले मैच हुआ था, जो कि एल्विश यादव की टीम हरियाणवी हंटर्स और अनुराग द्विवेदी की टीम लखनऊ लायंस के बीच में था। सो वहीं का एक वीडियो अभी थोड़ा सा वायरल हो रहा है, जहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं एल्विश यादव के ओल्ड टीममेट समीर कीर्ति मेहरा को वीडियो कॉल पर लाइव वो मैच दिखा रहे थे। एंड यही सब देखकर वहीं पर जो लोग मैच देखने के लिए गए हुए थे, वो क्या रिएक्ट करते हैं, आप इस वीडियो में देखिए। मैच दिखा रहा हूँ, मैंने पकड़ लिया, कीर्ति मेहरा है। अब तो पकड़ लिया, आप बधाइयां दे रहा है अपनी टीम के साथ। सो इस वीडियो को लेकर काफी सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि YouTube पर भी तो मैच लाइव स्ट्रीम हो रहा था। सो इस वीडियो की क्या क्रेडिबिलिटी है, कि ये वीडियो सही है या फेक है? बाकी आप इस पर क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, सो एल्विश यादव ने अपने रिसेंट ब्लॉग में ये रिवील करके बताया कि उनकी टीम यानी कि हरियाणवी हंटर्स के ये मैच जीतने के बाद उनकी साइड से उनकी टीम को एक गिफ्ट दिया जाएगा। सो उन्होंने क्या कहा है अपने ब्लॉग में, आप देखिए। ट्रिप पे भी तो जाना है भाई, इंटरनेशनल ट्रिप है अपनी साइड से हरियाणवी हंटर्स टीम को जीतने के। ग्लोबल हंटर्स भाई, भाई रजत तो जा ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं समय रैना एंड मुनावर फारूकी के बारे में। सो समय रैना मुनावर फारूकी के साथ मॉल में घूम रहे थे, एंड वहीं से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जहां पर वो मुनावर फारूकी को रोस्ट कर देते हैं। एंड क्या कहते हैं आप देखिए। समय भैंसा निकालो भाई, ऐसा सोच किसी लड़की को गिफ्ट देना है भाई, आप निकलेगा देखते से। जैसे ही प्यार का मैटर आ गया, मुनावर चार चार निकालेगा अभी। लक्ष्य चौधरी के बारे में, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करके बताया कि उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया था, जिसमें उन्हें कॉकरोच फ्री मिला। आपके पसंदीदा लापिनोज का पिज्जा, साथ में फ्री कॉकरोच। ये रवाई कॉकरोच, और उधर कॉकरोच के बच्चे घूम रहे हैं दुनिया भर के। अभी इधर भी घूम रहा था एक बच्चा कॉकरोच का, देख लो भाई। और ये पिज्जा खा के मर गया तो भाई हम कैसे जिंदा रहेंगे इसे खा के। टॉकिंग अबाउट लक्ष्य चौधरी, सो उन्होंने उन क्रिएटर्स को भी ट्रोल किया, जो पहले तो अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, एंड इसके बाद जब कुछ चीजें बैकफायर हो जाती हैं, एंड ऑडियंस उनसे सवाल पूछने लगती है या उन्हें हेट मिलता है, सो इस पर वो ये कह देते हैं कि उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उन्हें भी स्पेस चाहिए। पहले तो इंटरनेट पे अपनी जिंदगी का सब कुछ दिखा दो, होलसम दिखने के लिए, कॉन्टेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। माँ बाप, घर के बच्चे, बूढ़े दादा दादी, रिलेशनशिप स्टेटस, ट्रैवल अपडेट्स, डे टू डे लाइफ अपडेट, पति पत्नी, शादी, लहंगा, सब। उसके बाद जब कभी जैसे तुम चाह रहे थे चीजें वैसी नहीं जाती, चीजें उल्टी पड़ जाती हैं, तुम्हें सेम चीज पे हेट मिल जाती है, ऑडियंस जवाब मांगती है, तब गाइस माई पर्सनल लाइफ, गाइस माई पर्सनल लाइफ। यार किसी की लाइफ में इतने भी मत घुसो, आई नीड सम स्पेस। स्पेस यू का हो तो इना कह रहा था इन लोगों को अपनी फैमिली। सो आपको क्या लगता है कि लक्ष्य चौधरी ने ये किसके लिए कहा है, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आप अपडेटेड रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।